आज क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केयर तक ऐसे सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए इनोवेशन के इन्फिनिट अवसर हैं। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाने में भी स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। इसी तरह वोकल फॉर लोकल के जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी स्टार्टअप्स बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के जो कुटीर उद्योग है, हथकरघा और बुनकरों का जो शानदार काम होता है, उसकी ब्रांडिंग में उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने लेकर के आ सकते हैं। भारत के हमारे आदिवासी भाई बहन, वनवासी भाई बहन इतने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो भी स्टार्टअप के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प, नया फील्ड बन सकता है। इसी तरह आप जानते हैं कि भारत मोबाइल गेमिंग के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 40% से भी ज्यादा है। इस बार के बजट में हमने एबीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इस सेक्टर को सपोर्ट पर भी जोर दिया है। भारत के स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ा सेक्टर है जिसका वो नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्टर है टॉय इंडस्ट्री। टॉयज को लेकर भारत की बहुत समृद्ध विरासत रही है। भारत के स्टार्टअप इसे सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। अभी टॉयज के ग्लोबल मार्केट शेयर में भारत का योगदान सिर्फ 1% से भी कम है। इसे बढ़ाने में भी मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के आइडियाज को लेकर के जी रहे नौजवान स्टार्टअप लेकर के आए बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भारत के 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स, आपको भी सुनकर के खुशी होगी, 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स खेलकूद के काम में, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह भी एक क्षेत्र है। इसमें भी जिस प्रकार से भारत में एक स्पोर्ट्समैन का कल्चर खड़ा हो रहा है, स्पोर्ट्स का स्पिरिट पैदा हुआ है, स्टार्टअप के लिए इस क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं।